नमस्कार जी गोमाता, आप सभी मित्रों का हमारी YouTube चैनल पे एक बार स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बेहतरीन गौ माता की गौशाला का वीडियो लेके आया हूँ। जो गौशाला के ओनर का नाम है हीरेन भाई जादव और उसकी गौशाला जो फेमस नेम है उसकी गौशाला का नेम है आदियोगी गिर गौशाला, जो ऊना साइड आई हुई है सौराष्ट्र में। और ये आपको फ्रेम में दिख रहे हैं यहाँ के ओनर और हिरण भाई के पास सभी प्रकार की ब्लड लाइन और भावनगर भुवनेश्वर वगैरह सब, और उसके पास ये नेक्स्ट तैयार होने वाला बनना गिरबुल बहुत ही शानदार है। और उसके पास जो नॉलेज है हिरण भाई के पास वो बहुत शानदार और बहुत लाजवाब है। हमने उनके साथ 2 से 3 घंटा निकाला, हमारे गिर ब्रीड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। हम आपको उसका इंटरव्यू भी दिलाएंगे, आपके सामने इंटरव्यू रखेंगे एक बार। और उसकी गौशाला आप देख सकते हो, गौ माता सभी प्रकार की उनके पास सभी उसका रिकॉर्ड है, साथों साथ उन्होंने रिसर्च किया है सभी गौ माता के ऊपर, सभी ब्रीड के ऊपर, सभी ब्लड लाइन के ऊपर। और ये जो बन्ना, इसका नाम बन्ना रखा है, वो फ्यूचर में ब्रीडिंग बुल के लिए जो यूज करने वाले है, उनके पास कई सारी हीफर्स भी है और ब्रीडिंग पर्पज से भी गाय रखते हैं, साथों साथ अच्छे से अच्छे मिल्क भी दे रही है। उन्होंने बहुत डीप रिसर्च करके ब्रीड को अच्छी से अच्छी ब्रीड खड़ा किया है। भाई भुवनेश्वरी पीठ गोंडल, उसकी जो कल्याणी है, कई सारी गाय फेमस है, लोगों को बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, लोग उसको फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं आदियोगी गिर गौशाला। और एक महत्वपूर्ण हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी गाय सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, हम आपको जो गिर ब्रीड है उसको दिखाने लाए ये गाय सभी को, इसलिए प्लीज कृपया मर्यादा बनाए रखें, कोई डिमांड ना करे, हम पहले से आपको बता देते। ये हमारा पार्ट 1 है, हम आपके सामने पार्ट 2 भी लेके आएंगे। और यहाँ पर एक ग्रीन ग्रास रहता है, तो क्या है कि गौ माता को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, साथों साथ एक वाल भी साथ में रहता है। और ये नेचुरल फीड ज़्यादातर लेती है और उसको जितना खाना है और जो खाना है वो सिलेक्ट करती है। और यहाँ पर चरने के बाद वापस उनकी नीचे गौशाला है और ये डूंगर जैसा है वहाँ पर है, तो गौ माता को ये सेटिस्फाइड लोकेशन भी मिल जाता है। थैंक यू, जय गौ माता, हमारे साथ जुड़े रहिए।